ये पता है यार क्या हो रहा है, ये रात भी यही दिक्कत देखने को मिली आप लोगों के लिए जब नैनो मैगजीन बना रहा था, वो भी बीच में टर्मिनेट हुई। एक्चुअली ये लैपटॉप ना अभी ये अपडेट किया है, ठीक है? तो ये जो लैपटॉप अपडेट किया है तो ये पता नहीं सॉफ्टवेयर को पता नहीं क्यों एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, बार बार सॉफ्टवेयर को टर्मिनेट कर रहा है और उसको फिर से रिस्टार्ट कर रहा है। ये मैंने जब इसको आप लोगों को मैंने एक दिन दिखाया भी होगा शायद आप लोगों को याद था, जब मैंने आप लोगों को याद होगा जब मैंने इसको लैपटॉप में सॉफ्टवेयर डाला था, तो जब मैं मॉर्निंग में उठता हूँ ना, जब फिर से लैपटॉप ऑन करता हूँ वो फिर से उसको डेली रिइंस्टॉल करवाता है। यानी कि एक तो होता है कि एक बार इंस्टॉल कर लिया सॉफ्टवेयर, ठीक है, उसको साइड में कर दिया। ये क्या करता है, जब भी उसको मॉर्निंग में उठता हूँ बोलता है कि इसको फिर से प्रोसेसिंग करवाओ इसकी, तो वो फिर से प्रोसेसिंग करवाता है। अब ये पता नहीं क्या है, मैंने उनको मेल भी किया था, मैंने कहा यार ठीक है ये जो एचपी का लैपटॉप है उसमें मैंने इसको इंस्टॉल कर लिया है, पर लेकिन रिकॉर्डिंग जो चलती है ये करता हूँ मैं एप्पल के लैपटॉप में, तो उसमें पता नहीं ये क्या दिक्कत आ रही है। मतलब जो कहते हैं महंगा है बहुत अच्छा होगा, तो ये महंगे वाला हरकतें काट रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, जिसकी वजह से पता नहीं क्या कर रहा है, उसको एक्सेप्ट ही नहीं करते। मैंने कई बार उसकी सेटिंग में चेंज कर ली, उनको मेल भी किया, दोस्त के बारे में उन्होंने बताया कि एक तरीके से ऐसे कर लो वो कर लिया जो उन्होंने बताया, फिर भी ये दिक्कत देखने को मिल रही है। मतलब 3-4 बार ये चीजें मैं देख चुका हूँ, मतलब ऐसा हो रहा है जब से अपडेट हुआ, जब से तो और ज्यादा फ्रीक्वेंटली होने लगे, पहले तो कभी कभी होती थी। मतलब पूरे उसको रिस्टार्ट कर देगा जो सॉफ्टवेयर रहता है, गनीमत ये रहती है कि जो रिकॉर्ड हो जाती है उसको सेव कर लेता है, पता चला वो भी सेव नहीं हो रही है तो मतलब मेरा तो दिमाग ही खराब हो जाता। और जबकि ये एक बहुत अच्छे वाला सॉफ्टवेयर है कैमटेशिया, जाकर सर्च करना इसके बारे में, कैमटेशिया को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, जो कि मोस्ट पेड जो सबसे एक हाई लेवल का पेड सॉफ्टवेयर आता है, ठीक है, इसकी जो इसका जो अपडेट अपडेशन की अलग से इसके पैसे कटते हैं हर साल, तो इसको ये एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, और किसको से एक्सेप्ट करेंगे मेरी समझ में नहीं आ रहा है। मतलब दिमाग चाट के रख दिया इन्होंने यार। चलिए सही है, जहां पे छोड़ा वहीं से आगे कंटिन्यू लेक्चर में करता हूँ बेसिकली। तो यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा, हम लोग एक आर्टिकल डिस्कस कर रहे थे जिसके जिसने देखिए, अगर यहाँ आप लोग इस वाले पार्ट में आए तो पहले वाला पार्ट देख लेना, ठीक है, टर्मिनेट हो गया था लेक्चर, मैं डिस्कस करता ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स के बारे में, ऑलरेडी क्या क्या डिस्कस कर चुका हूं अगर मैं आप लोगों को वहां पर बताऊं तो, काफी इंपॉर्टेंट मैंने कुछ क्वेश्चन वहां पर आप लोगों से डिस्कस किए जो कि आप लोगों से यूपीएससी के द्वारा पूछे गए, ओवरव्यू लिया था, लेजिस्लेटिव काउंसिल और लेजिस्लेटिव असेंबली के बारे में बात की थी, डिटेल में मैंने आप लोगों को समझाया था, चाइना की हरकतें क्या चल रही है, कैसे लेकर चलना चाहिए वो बताया, जजेस के बारे में मैंने आप लोगों से बताया था, कैसे अपॉइंटमेंट किया जाता है, ज्यूडिशियल सिस्टम क्या होता है वो मैंने पूरा आप लोगों को समझाया था, इसी के साथ में एनजीएसी क्या होता है, कोलिजन सिस्टम क्या होता है वो मैंने बताया था, डिटेल में केशवानंद भारती केस मैंने बताया, एक क्वेश्चन भी मैंने आप लोगों से अटेम्प्ट कराया था। तो अब तक की कहानी ये हो चुकी है हमारी, ठीक है, एक कहानी है जब मुझको सुनानी है, जलने वालों की तो रूह भी जलानी है, तो ये बातें आप लोग कवर हो चुकी है, ठीक है, लेकिन दिमाग खराब कर दिया वास्तव में यार, मतलब इतना प्यारा लेक्चर चला था बीच में टर्मिनेट करके ना, बिल्कुल रायता फैला देते हैं लोग। चलिए जो भी है आगे चलते हैं, यहाँ पर तो मैंने बताया था कि यहाँ पर 3 कंट्री ये हैं 2019 में, अगर देखा जाए इनकी रैंक जो है, मतलब 2019 का डेटा है पर प्रस्तुत किया गया 2021 में, तो ये जो 3 कंट्री ऊपर की आप लोगों को देखने को मिलेगी उनके बारे में बताया गया, ठीक है, इसी के साथ में जो आईलैंड कंट्री है यहाँ पर अभी इनको अगर पूरा देखोगे तो ये वाला आप लोगों को देखने को मिलेगा, तो इनके बारे में डेटा बताया गया, तो दोनों डेटा आप लोगों को पता होना चाहिए। ये तो है 2021 का डेटा जिसमें मोजाम्बिक, जिम्बाब्वे और बहामास आईलैंड देखने को मिलेगा, और ये पिछले 2 दशक का डेटा जिसमें आप लोगों को प्यूर्टो रिको, म्यांमार और हैती देखने को मिलेगा। अभी यहां पर इंपॉर्टेंट मुद्दा यह है कि 2000 से लेकर 2019 में लगभग यहां पर 4,75,000 लोग ऐसे हैं जो अपनी जान गंवा चुके हैं इन रीजन की वजह से, तो इसके चलते 11,000 के करीब ये ऐसी ऐसे एक्सीडेंट देखने को मिले जिसके चलते टाइम टू टाइम लगभग 2.56 ट्रिलियन अपनी कंट्री की लगभग जीडीपी आप लोगों को इतनी देखने को मिलेगी, ठीक है, इससे थोड़ी सी ज्यादा है, ठीक है, तो आप लोग समझ सकते हैं कि इतनी हमारी कंट्री की जीडीपी है टोटल मिलाकर उतनी बर्बादी पैसों की अब तक हो चुकी है जब भी कोई स्टॉर्म आता है, साइक्लोन आता है, तो ये इकोनॉमिक लॉस अगर आप लोग देखोगे ना इन्वायरमेंट में उंगली करने का, तो ये लॉस आप लोगों को नजर आ जाएगा, फिर इंसान सुधर जाएगा। इंसान क्या करता है, उसको ऐसा लगता है कि यहाँ पर ना जो चल रहे हैं इन्वायरमेंट को तो नुकसान पहुंचा रहे हैं, पर्सनली क्या नुकसान हो रहा है, पर लेकिन रियलिटी में देखेंगे तो हम बहुत सारी चीजों का नुकसान कर रहे हैं, क्लाइमेट चेंज, एक्सट्रीम वेदर, ये सारी चीजें जो हो रही है आज की डेट में, हर 10 में से 8 आदमी जो है वो इन चीजों से इंपैक्टेड है, और खासकर वो जो गरीब है उनकी दिक्कतें देखने को मिलती है। कोई किसान है खेतों में अपनी खेती लगा रहा है, बेचारे का दिक्कत हो गई क्या, ये दिक्कत आप लोगों को देखने को मिल जाती है कई बार, तो सिचुएशन ऐसी बनी रहती है जिसके ऊपर काम करना चाहिए। तो इंडिया के बारे में अगर आप लोगों से कोई पूछ रहे, 7वीं पोजीशन है, मैंने अभी आप लोगों को बताया हमारे देश की, ठीक है, इस मुद्दे में, और मोजाम्बिक पहले पर है, 7वीं पोजीशन है हमारी, इसमें अगर बात करते हैं जो हमारा स्कोर है वो 16.67 है। लास्ट ईयर हमारा जो 2020 में हमारी जो पोजीशन थी वो थी यहाँ पर कितनी, हमारी थोड़ी सी ज्यादा थी, यहाँ पर 5वीं थी, यानी कि अब थोड़ी इंप्रूव हो गई है, यानी कि ऊपर को जितनी चल रही है ना पोजीशन उतनी ही ज्यादा बर्बाद है, ऊपर को चलना यहाँ पर अच्छी बात नहीं, नीचे को आना अच्छी बात है, यानी कि शेर के मुंह में जाके नहीं बढ़ना है, शेर से दूर भागना है, तो ऐसा आप लोग बोल सकते हैं। तो यहाँ पर ऊपर को जा रही है, यानी कि पहले 5 थी अब 7 होगी, तो अच्छी पोजीशन में अब हम लोग आ गए, कहने का मतलब यहाँ पर ये पहले के कंपेयर में हमारे यहाँ
बर्बादी कम हो रही है। 2019 में मॉनसून ने काफी प्रॉब्लम यहां पर क्रिएट की गई, अगर 1994 से लेकर चले 1994 से तो काफी सारी दिक्कतें देखने को मिली, लगभग 1800 के करीब जो लोग हैं उनकी डेथ हुई यहां पर 14 स्टेट के अंदर में, और इसी के साथ में 1.8 मिलियन के करीब जो लोग हैं वो डिस्प्लेस हो गए, मतलब एक एरिया में रहते हैं, पता चला यहां पर बाढ़ आ गई उड़ीसा के अंदर, उनको अपना डिस्ट्रिक्ट छोड़कर कहीं और जाना पड़ रहा है, तो इसके चलते कोस्टल एरिया में दिक्कतें देखने को मिलेगी। तो हमारी कंट्री का जो कोस्टल एरिया है वो कितना है याद रखना, इसको भूल मत जाना, ठीक है, बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे, ठीक है। तो 7500 किलोमीटर आप लोगों को देखने को मिलेगा, 75,000 में तो आधा इंडियन ओशन आ जाएगा चाइना फिर रो पड़ेगा कि आप पूरा इंडियन ओशन इंडिया ने अपने हिस्से में ले लिया तो मैं क्यों ना लूं साउथ चाइना सी, तो फिर वो रोने लग जाएगा, तो वही बात है आप लोगों को देखने को मिलेगी 75,000 में तो पूरा ही आ जाएगा सामान, में 75,000 पता चला इंडिया को हो गया तो यहां तक का हमारा ओशन है, ठीक है, कोई नहीं आएगा यहां पर, हम बंदूक तान कर खड़े हो जाएंगे, तो वाला मुद्दा देखने को मिलेगा, ठीक है। तो चलते हैं यहां पर, तो इसके बारे में अगर बात की जाए तो ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो इसके बारे में आप लोग याद रखिएगा, तो यहां पर काफी इंपैक्ट पड़ा इंडिया के ऊपर भी, ठीक है। तो यहां पर मैंने बताया कितने सारे लोग, और ओवरऑल बोला जा रहा है कि 10 बिलियन के करीब अभी यहां पर इकोनॉमिक लॉस हो चुका है काफी लार्ज स्केल पर 2019 में, और लगभग 11.8 मिलियन के करीब जो लोग हैं वो यहां पर इफेक्टेड हो चुके हैं। 8 जो ट्रॉपिकल साइक्लोन आए भी, यानी कि जो भी अभी साइक्लोन आए हैं जिसमें साइक्लोन फेनी का नाम आप लोगों ने सुना था, उसकी वजह से लगभग कई सारे लोगों की जान गई, ठीक है, 28 मिलियन लोग इसकी वजह से अफेक्टेड हुए इंडिया और बांग्लादेश के अंदर में, तो यहां पर 8.1 बिलियन का लॉस हो गया, यानी कि क्लाइमेट चेंज की वजह से जो नुकसान हो रहे हैं जिनके बारे में हमको लगता है कुछ भी नहीं हुआ ज्यादा, ठीक है, तो उसकी वजह से यहां पर हम उनको काउंट ही नहीं करते हैं कई बार, तो बांग्लादेश के अंदर तो मैंने आप लोगों को बताया भी था। अच्छा एक क्वेश्चन आप लोगों से पूछता हूं, बांग्लादेश के अंदर जो रोहिंग्या कम्युनिटी है उनको एक आइलैंड पर बेसिकली बसाने की बात की गई थी, उस आइलैंड का नाम तो बताइए जरा, दूसरा नाम भी बताना, दोनों बताना, ठीक है। अभी मैंने आप लोगों क्या पढ़ाया आप लोगों को पता है, ग्लोबल रिस्क इंडेक्स पढ़ाया, अभी आप लोगों से अगर कंफ्यूजन में डालकर कोई एक और बातें पूछ ले तो आप लोगों को याद रखना है यह क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स, तो दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है, इसमें हमारी रैंक 10 है उसमें हमारी रैंक 7 थी, ठीक है, यानी कि यहां पर अच्छी चीज है, बल्कि हालांकि बात करें टॉप 10 जो रैंक में आप लोगों को देखने को मिलेगा, हमारी टॉप 10 रैंक आ गई, पर लेकिन इस इंडेक्स को यह लगा, मतलब इसने बेइज्जती कर दी देशों की, इसको यह लगा कि तुम लोगों की औकात नहीं है कि टॉप 3 पोजीशन तुम अडॉप्ट कर सको, यानी कि टॉप 3 पोजीशन यहां पर खाली रहेंगी, यानी कि ऐसे करो इस अगर हमारे कंट्री के अंदर एक पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट के अंदर भाई एक पर्टिकुलर राज्य के अंदर अगर 5 आईएएस की जरूरत है, 5 के 15 अगर आईएएस की जरूरत है और उन 15 आईएएस को मतलब एक तरीके से लेना है, तो यहां पर अगर कोई उस क्वालिटी का पर्सन नहीं मिलेगा तो वो पोस्ट खाली पड़ी रहेंगी वहां पर, ये नहीं कि किसी और को बैठा दो ले जाकर वहां नीचे कैटेगरी के किसी इंसान को बैठा दो, आईएएस ही चाहिए वहां पर उस पोस्ट पर, तो ये है यहां पर इसकी उसकी लेवल होना चाहिए अगर इस पोस्ट पर आप लोगों को आकर बैठना है, ये नहीं कि किसी को भी लाकर आप लोग बैठा दोगे, तो ऊपर की 3 पोजीशन खाली होगी, तो अगर ऊपर की 3 पोजीशन घटा देते हैं तो इंडिया की रैंक 7 हो जाएगी यहां पर, लेकिन 3 खाली है क्योंकि इनको लग रहा है किसी की लेवल ही नहीं यहां पर आने का, तो इसलिए ये वाली पोजीशन आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगी, ठीक है, तो इसके बारे में याद रखिएगा। तो इंडिया की जो रैंक थी 2020 में 18 थी, 2020 में 10 थी, 2019 में 9 थी, यहां पर फिर हमारी 11 थी, मतलब अब हमारी रैंक इंप्रूव हो गई, पहले 31 थी 2014 में, तो अच्छा खासा काम यहां पर किया गया है, तो एक अच्छी बात बोल सकते हैं। ये भी जर्मन वॉच के द्वारा ही ये बेसिकली बनाया जाता है, किसके साथ मिलकर ये आप लोग यहां पर देखते हैं, तो न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट ऑफ क्लाइमेट एक्शन जो इनके द्वारा 2005 से इसको पब्लिश किया जा रहा है, तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है, कंफ्यूज मत होना। ये रिसेंटली अभी एक मूवी रिलीज हुई थी जिसके बारे में मैंने आप लोगों को बताया था, ये बात किसके बारे में कर रही है, ये नॉर्मली एक खासकर जो फोकस दे रही है ये आप लोग जो जंगल में जो लोग रहते हैं, एक ऐसा सेक्शन जिसके बारे में ज्यादा हिस्टोरिकली हम लोगों ने ज्यादा सोचा भी नहीं है, यानी कि अगर बात करें अंग्रेजों ने भी उनके ऊपर अत्याचार किए और अभी यहां पर उनके ऊपर अत्याचार होते हुए नजर आ रहे हैं, तो उसके बारे में यहां पर बात की जाती है। मूवी का नाम था जय भीम, तो ये काफी ज्यादा कॉन्ट्रोवर्शियल एक मूवी बन गई, कि एक तरीके से ऐसा देखने को मिलता है कि आज की डेट में जो जय भीम ये नारा बन गया है, ये ऐसा नहीं है कि भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा जब ये नारा अडॉप्ट किया गया था तो इसको फॉलो किया गया था, तो ऐसा लगता था कि ये नारा जो है एक पर्टिकुलर कम्युनिटी का है, तो यहां पर ये जो नारा है भीमराव अंबेडकर जी का जो नाम है पूरा भीमराव रामजी अंबेडकर बोलते हैं, तो ये जो नारा कॉइन किया गया था ये बाबू हरदास के द्वारा ये कॉइन किया गया था, तो ऐसा लगता था कि यहां पर ये जो नारा है बस दलित आइकन बन गया, पर लेकिन ये अब दलित आइकन नहीं है, ये मूवी ने ये दिखा दिया कि ये नारा हर एक उस इंसान के लिए है जो कि यहां पर किसी भी तरीके से सप्रेस किया जा रहा है तो वो इस नारे को लगा सकता है, तो ये एक ऐसा नारा बन गया है जिसको कोई सप्रेस करे तो वो इस नारे को यूज कर सकता है। ऐसा हुआ कहां पर, यहां पर बेसिकली ये जो इंसिडेंट निकल कर आया ये यहां पर इरुलार जो कम्युनिटी थी यहां पर तमिलनाडु के अंदर में, उनके ऊपर काफी ज्यादा अत्याचार यहां पर किए गए, एक पर्टिकुलर पर्सन को गिरफ्तार किया गया, उसकी वाइफ जो थी प्रेग्नेंट थी वो कुछ नहीं कर सकती थी, फिर एक वकील के पास जाती है और वो वकील जो है वो केस लड़ता है और फिर यहां से मूवी स्टार्ट होती है। अगर मूवी आप लोगों ने देखी होगी तो आप लोगों ने देखा होगा कि पुलिस टॉर्चर का जो बेसिकली केस बोला था ना कि टॉर्चर कैसे किया जाता है, तो टॉर्चर आप लोगों को इस मूवी में देखने को मिल जाएगा,
कि पुलिस कस्टडी में जाकर किस तरीके से लोगों को टॉर्चर करती है। तो ऐसी कहानी आप लोगों को यहां पर इसकी देखने को मिलेगी। तो कहने का मुद्दा यहां पर यह है कि ये जो मूवी है इसमें क्या बताया गया है, तो ये पर्टिकुलर एक एरिया को डिस्कस कर रही है कि डिप्रेस्ड जो सेक्शन है सोसाइटी का उसके ऊपर अत्याचार किए जाते हैं, ट्राइबल कम्युनिटी है उसके ऊपर अत्याचार किए जाते हैं। तो ये ओनली वॉयलेंस के बारे में बात कर रही है, ठीक है, ओनली वॉयलेंस के बारे में। ये राइटर यहां पर इसमें ये बोल रहे हैं कि अगर बात करेंगे आज के डेट में तो हमारी कंट्री में और भी बहुत सारे ऐसे एरिया हैं, अगर बात करें यहां पर जो बेसिकली जंगलों के अंदर लोग रहते हैं तो उनके फॉरेस्ट के राइट के बारे में अगर हम लोग बात करें तो यहां पर हमारी कंट्री में एक एक्ट है, ठीक है, जो कि यहां पर फॉरेस्ट राइट के नाम से आप लोग जिसको जानते हैं, तो उसके अंदर बात करें तो बोला जाता है कि शेड्यूल्ड ट्राइब अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट जो ड्वेलर होते हैं उनको रिकॉग्नाइज करने की बात की जाती है। पर लेकिन रिसेंटली अभी यहां पर एक केस आया था हाई कोर्ट के अंदर में, तो उसने ये बोल दिया कि जिन लोगों के पास में उनके डॉक्यूमेंट्स नहीं है उन लोगों को बेसिकली इस एरिया में रहने का कोई अधिकार नहीं है। वो तो भला हो सुप्रीम कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट ने उसके ऊपर रोक लगा दी, वरना सब राज्य के अंदर जो राज्य गवर्नमेंट थी उन्होंने ट्राइबल कम्युनिटी को वहां से निकालने का पूरा मुद्दा बना लिया था कि हाँ अब तो हमारे पास में हक आ गया है। तो ये सारे मुद्दे आप लोगों को यहां पर देखने को मिलते हैं। तो ये गलत तरीका है इस तरीके से आप लोग इनके ऊपर अत्याचार करते हैं, तो ये सही तरीका नहीं है। पॉलिटिकल विल होती है, देखिए एक पॉलिटिक्स जो पार्टी है वो हमेशा क्या करती है, उन लोगों को सपोर्ट करती है जो लोग उनकी वोट डालने आते हैं। ट्राइबल कम्युनिटी होगी या फिर बहुत ऐसा सेक्शन हो गया जो इनको वोट नहीं देता है तो उनके बारे में कुछ सोचते ही नहीं है, जहां पर इनको वोट बैंक रखता है वहां पर ये काम करते हैं, राइटर ऐसा बोल रहे हैं। तो वोट बैंक के ऊपर काम करना ये सही नहीं है, यानी कि जो गरीब तबका है सोसाइटी का, जो भुखमरी वाला तबका है जिसके लिए गवर्नमेंट बनाई जाती है। जब गांधी जी ने बोला था कि अगर कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है अगर उसको किसी के लिए कुछ करना है तो पहले ये सोचे कि इस सोसाइटी में सबसे गरीब इंसान कौन है, ठीक है, उसके बारे में आप लोग सोचिए तो आप लोग चीजों को अंडरस्टैंड कर पाएंगे, ठीक है। जैसे मैं भी बोलता हूं ना, आप लोगों को लगे कि आप लोग जो भी अर्निंग कर रहे हैं, मान लीजिए आप लोग महीने के मान लीजिए 10,000 रुपए कमा रहे हैं, ठीक है, या फिर आप लोग महीने के 100 रुपए कमा रहे हैं, एक मिनट सोचकर चलिए, तो 100 रुपए में से भी इंसान को कम से कम 5 से 10% जो है वो किसी ने किसी के लिए रखने चाहिए कि हाँ किसी की हेल्प हो सके, क्योंकि हर एक इंसान सक्षम नहीं है। आप लोग अगर मान लीजिए मैं 100 रुपए कमा रहा हूं, मैं 100 रुपए कमाने में सक्षम हूं ना कम से कम, ठीक है, आधे ऐसे होंगे जो 50 कमा रहे होंगे, 25 कमा रहे होंगे, 10 कमा रहे होंगे, तो उन 100 में से अगर मैं 5-7 रुपए जो है किसी को हेल्प कर दूं तो इससे बहुत बड़ा एक सोसाइटी में लोगों की हेल्प हो सकती है। पर लेकिन मैक्सिमम लोग यहां पर इस चीज से डरते हैं, वो इस काम को करते नहीं है। तो हमेशा चीजों को लोगों के लिए अफोर्डेबल बनाओ, उन तक चीजें पहुंचाओ, ऐसा मुद्दा आप लोग करना पड़ेगा, तो इसके चलते यहां पर जरूरी है। तो इसी के चलते संविधान में कुछ पोर्शन भी आप लोगों को देखने को मिलेगा जो इसी के लिए डेडिकेटेड है और कई बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। हमारे संविधान में छठवां शेड्यूल आप लोगों को देखने को मिलेगा जो इसी मुद्दे के बारे में बात करते हैं। इसका पैरा 12A जो है वो यहां पर क्या बात करता है कि आसाम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के अंदर जब आप लोग जाएंगे, आइए लेकर चलता हूं, आसाम अगर बात करें तो आप लोगों को देखने को मिलेगा यहां पर मेघालय हो गया, यहां पर त्रिपुरा हो गया, यहां पर और मिजोरम हो गया यहां पर। तो ये राज्य हैं यहां पर, इनमें मैक्सिमम ट्राइबल एरिया आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो इन एरिया में जो राज्य गवर्नमेंट है उनके द्वारा इन एरिया को स्पेशल पावर यहां पर दे रखी है, और ये स्पेशल पावर जो काफी इंपोर्टेंट हो जाती है, आर्टिकल 244 याद रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है, कई बार इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसके चलते यहां पर स्पेशल प्रोविजन रहता है ताकि एक तरीके से यहां पर काम किया जा सके जो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा इन लोकल एरिया में, और इंपोर्टेंट आर्टिकल है काफी ज्यादा, ग्रांट दिया जाता है इस आर्टिकल की हेल्प से। ग्रांट क्या होता है, किसी को पैसे दे देना और उसको वापस न लेना, दान कर देना एक तरीके से। तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है, वो स्टेट गवर्नमेंट को ग्रांट देती है, तो उसी के बेस पर इस ग्रांट के बारे में बात की जा रही है। तो इन पर्टिकुलर एरिया को ऑटोनॉमी दी जाती है ताकि अपने हिसाब से काम कर सके, इसी के लिए यहां पर ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बनाई जाती है ताकि रेस्पेक्ट किया जा सके इस पर्टिकुलर एरिया को और उनकी खुद की जो कल्चर है उसको फॉलो करके चल सके। तो ओनली 4 राज्य हैं जिनके बारे में बराबर कई बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, एग्जामिनर की लार टपकती है यहां पर कई बार इस क्वेश्चन को लेकर, ठीक है, कि आसाम हो गया, मेघालय हो गया, त्रिपुरा हो गया, मिजोरम हो गया, तो याद रखिएगा इसके बारे में, ठीक है। तो उसकी लार टपकने से पहले आप लोग तैयार कर लीजिए ताकि आप लोग क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकें और वो आप लोगों एक गंदी एक लार में न आप लोगों को बेसिकली धकेले, ठीक है, यानी कि आप लोग अपने आप को तैयार रखिए उसके लिए, ठीक है। तो यहां पर अगर बात करें, ये बेसिकली आप लोगों को देखने को मिलेगा आसाम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, तो मैंने बताया था ATM, इसको याद रखना, ATM यानी कि एम स्क्वायर हो गया, ए से हो गया यहां पर आसाम, टी से हो गया यहां पर क्या त्रिपुरा, और एम से हो गया यहां पर मेघालय और बेसिकली मिजोरम। तो एम के अंदर मनी नहीं है, ठीक है, तो ये याद रखना, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग इसको याद रख सकते हैं, तो कंफ्यूजन में मत आइएगा। तो इस तरीके से बोला गया कि मिलकर काम करना पड़ेगा, जो पुअर सेक्शन है सोसाइटी का उनके बारे में सोचना पड़ेगा। इस तरीके से मनमानी कर अगर आप लोग चलोगे तो ये इस तरीके से सोसाइटी एक अच्छी सोसाइटी नहीं बनती है, ठीक है। तो ये मुद्दा है इसके बारे में, ओके।
तो कोई कंफ्यूजन आप लोग के माइंड में अगर हो तो आप लोग उसको पूछा कीजिए, ताकि उसको और अच्छे से यहां पर डिस्कस किया जा सके। तो आज की डेट में जो यहां पर ये जो जो जय भीम वाला नारा है, ये गरीब वनरेबल डिप्रेस्ड सब सेक्शन के लिए यहां पर बन गया है। चाहे कोई कमजोर है, चाहे कोई गरीब है, चाहे कोई एक निराश वर्ग है, उसके लिए यहां पर बन गया। तो जय भीम का कॉन्टेक्स्ट ही चेंज हो चुका है, एक स्लोगन ही चेंज हो चुका है कि किस तरीके से एक मार्जिनलाइज कम्युनिटी जो हाशिया पर रहती है, एक कास्ट या रीजन के बेस पर अगर बात करें और बुद्धिजीवी भी यहां पर आज के में देखें, तो एक तरीके से इस चेंज को यहां पर चीजें आगे लेकर चल रहे हैं, चीजें समझी जा रही है। तो बेसिक इंफॉर्मेशन है, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ये सारी बातें मैंने आप लोगों को बताई, अब माइंड में क्लैरिटी होनी चाहिए, ठीक है। आगे चलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है, बात की जा रही है राइट टू हेल्थ के बारे में। राइट टू हेल्थ जो है, अगर आप लोगों से कोई पूछ ले तो क्या बोलोगे इसके बारे में, तो सबसे पहले तो आप लोग समझ सकते हैं हमारी कंट्री में रिसेंटली अभी यहां पर जो 15th फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन थे एनके सिंह जी का फुल नाम पता है आप लोगों को, देखता हूं किस किस को पता है, बताइए चलिए, ठीक है। छोटे छोटे नाम रहते हैं, उनको फुल नाम करके भी कई बार क्वेश्चन बनाया जाता है आप लोगों से, ठीक है। तो यहां पर बेसिकली बोला जाता है कि हेल्थ शुड शिफ्ट कॉन्करेंट लिस्ट से है इसको प्रेजेंट में, इसको बेसिकली प्रेजेंट में जो यहां पर स्टेट लिस्ट के अंदर में, इसको कॉन्करेंट लिस्ट में शिफ्ट कर देना चाहिए। अब ये क्या मामला है, इस मामले को समझिए। संविधान के अंदर जब आप लोग सातवें शेड्यूल के अंदर जाएंगे तो तीन लिस्ट आप लोगों को देखने को मिलेगी, एक को बोलते हैं सेंट्रल लिस्ट, दूसरे को बोलते हैं स्टेट और तीसरे को बोलते हैं कॉन्करेंट लिस्ट। सेंटर में जो भी मुद्दा है डिफेंस कम्युनिकेशन ये सारे इनके ऊपर सेंट्रल लो बनाता है, स्टेट के अंदर स्टेट लो बनाता है जो भी है, जैसे हेल्थ हो गया, ठीक है। और कॉन्करेंट लिस्ट में यहां पर जैसे अगर बोलते हैं एजुकेशन, ठीक है, तो ये आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो हेल्थ अगर कॉन्करेंट लिस्ट में आ जाती है तो सेंट्रल स्टेट दोनों लो बना पाएंगे, यही बात बोलेगी फाइनेंस कमीशन के द्वारा, तो इसको इंप्लीमेंट करने के लिए बोला गया। और अगर पूछे हेल्थ कहां पर है, तो फंडामेंटल राइट आर्टिकल 21 है राइट टू हेल्थ के बारे में अगर बात करें, तो ये जो फंडामेंटल राइट है लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, तो हेल्थ भी आ गया सीधे सीधा, तो अगर कोई पर्सन की हेल्थ के बारे में बात करेगा तो आर्टिकल 21 के अंदर रहेगा। और इसी के साथ में डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंदर आर्टिकल 38, आर्टिकल 39, आर्टिकल 42, आर्टिकल 43, आर्टिकल 47, ये सारे गवर्नमेंट को बोलते हैं कि भाई साहब कुछ कर लो, खा लो, कमा लो, क्यों जनता की बेसिकली बर्बादी कर रहे हो, उनके लिए कुछ बना लो, यानी कि एक तरीके से उनके लिए कुछ इंप्लीमेंट करो चीजें, ताकि उनकी लाइफ जो है वो थोड़ी सुगम हो सके। तो इसके बारे में इनके द्वारा ये बातें की जाती है। तो ये बेसिक इंपॉर्टेंट चीजें जिनके बारे में आप लोग याद रखेगा, कोई कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं होना चाहिए। तो इसके चलते फोकस देने की बात की जा रही है हेल्थ के ऊपर। सुप्रीम कोर्ट ने भी यहां पर एक केस था, पश्चिम बंगाल खेत मजदूर समिति केस था 1996 का, उसमें इसके द्वारा बोला गया कि ये राज्य की रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो मेडिकल फैसिलिटी लोगों को प्रोवाइड कराए, तो यहां से निकल कर आता है। पर लेकिन दिक्कत क्या है, हमारी जो नेशनल हेल्थ पॉलिसी के बारे में अगर बात करें तो 2.5% जीडीपी का हम लोग खर्च करते हैं ओनली, जबकि सॉरी ये भी गलत बोल दिया मैंने, मैं अपने शब्द वापस लेता हूं, ये तो 2025 तक खर्च करना है हम लोगों को, इतना भी खर्च नहीं कर रहे हैं, 1.2 या 1.3 के करीब हम लोग खर्च कर रहे हैं अपनी जीडीपी का आज के डेट में। और जापान में जाएंगे तो वहां पर आप लोगों को, कोई कंट्री तो ऐसे भी है जो 6-6, 7-7, 8-8, 10-10% अपनी जीडीपी का खर्च कर रही है, और हमारा देश इतना बड़ा तो हम लोग खर्च नहीं कर रहे हैं। तो इसके चलते लोगों को प्राइवेट सेक्टर के ऊपर डिपेंडेंट रहना पड़ता है। तो बोला क्या जाता है, बोला ये जा रहा है कि आप लोग चाहते हैं ना यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज अगर आना चाहिए तो वहां पर एक तो टाइमली लोगों को चीजें मिलनी चाहिए, गुड क्वालिटी की चीजें मिलनी चाहिए, एक्सेप्टेबल वो होनी चाहिए, अफोर्डेबल होनी चाहिए, और एक तरीके से अप्रोप्रिएट होनी चाहिए, यानी कि ये सारी चीजें अगर आप लोग प्रोवाइड कराएंगे तो तब यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज आप लोग यहां पर बोल पाएंगे। आप लोग क्या कर रहे हैं अभी, अभी आप लोग ये सारी चीजों पर फोकस ही नहीं दे रहे, आप लोग एक अलग ही माहौल में चल रहे हैं यहां पर आगे। और वो अलग माहौल क्या है, आयुष्मान भारत योजना के तहत यहां पर बोला गया था देश के अंदर 10 करोड़ जरूरतमंदों को फायदा पहुंचेगा, और ये भी 10 करोड़ जरूरतमंद जो परिवार हैं वो लाभान्वित होंगे। 10 करोड़ यानी कि एक परिवार में 5 लोग भी होंगे तो 50 करोड़ बोला गया। तो 50 करोड़ में यहां पर 5 लाख रुपए प्रति माह एक तरीके से मुफ्त इलाज किया जाएगा प्राइवेट और सरकारी अस्पतालों के अंदर। तो पूरा फोकस यहां पर बेसिकली प्राइवेट को लेकर चलने की कोशिश की जा रही है 50 करोड़ लोगों के लिए। तो अभी नीति आयोग की एक रिपोर्ट आई, उसको लेकर राइटर जो है वो चिंता में पड़ गए। राइटर यहां पर ये बोल रहे हैं यार ये तो तरीका नहीं होना चाहिए आप लोगों सोचने का, मतलब क्या है, मतलब यहां पर ये बेसिकली ये चाह रहे हैं कि प्राइवेट सेक्टर जो है वो आकर घुसे यहां पर, जब भी हम लोग बात करते हैं हेल्थ के बारे में तो प्राइवेट सेक्टर को सपोर्ट किया जा रहा है, जबकि हेल्थ एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां पर गवर्नमेंट जितना ज्यादा फोकस करेगी उतना ज्यादा अच्छा रहेगा। अगर ऑल ओवर वर्ल्ड में आप लोग उठाकर देखें तो गवर्नमेंट का ज्यादा इसमें दबदबा होना चाहिए। और इवन अगर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के अंदर भी आप लोग जाएंगे तो वहां पर भी हेल्थ को सबसे पहले रखा गया है, यानी कि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन से पहले भी हेल्थ रखा गया है। तो फिटनेस हेल्थ जो है वो एजुकेशन से भी पहले आती है, तो यानी कि अगर आप लोग फिट रहेंगे, हेल्थी रहेंगे, तभी तो आप लोग अच्छे एजुकेशन ले पाएंगे। तो ये मुद्दा आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा, जो कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल भी बोलते हैं। थोड़ा सा और इसको अगर मैं बढ़ा दूं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को, तो इसके अंदर दुनिया भर के मुद्दे आप लोगों को नजर आ जाएंगे। डेथ यहां पर एक्सीडेंट की वजह से हो रही है, डेथ यहां पर महामारी की वजह से हो रही है, डेथ यहां पर एड्स या टीबी की वजह से हो रही है, या
या फिर कोई और मोर्टेलिटी हो रही है, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, कम्युनिकेबल डिजीज, इवन यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज के बारे में कोई पूछ ले तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 3 का पॉइंट 8 है जहां पर यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज के बारे में बात की जा रही है। अगर क्वेश्चन कोई पूछ ले तो आप लोग ही इसको बता पाएंगे, क्योंकि इतने डिटेल में अंदर अंदर चीजें घुसकर आप लोगों से नॉर्मली अगर पूछेगा कोई तो यहां पर आप लोग ही इसका आंसर दे पाएंगे, किताबों में कहीं नहीं लिखा मिलेगा नॉर्मली है, ठीक है। तो एक करंट की चीज होती है स्टैटिक पोर्शन के साथ में, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल अगर किसी ने खोल खोल कर पढ़े होंगे, ये मैंने इसलिए खोल खोल कर पढ़ा रहा हूं आप लोगों को, क्यों, क्योंकि हेल्थ के बारे में जब आप लोग बात करेंगे तो इंपॉर्टेंट मुद्दा हो जाता है, ठीक है। तो यहां से क्वेश्चन आप लोगों का बन जाता है, तो इसके बारे में आप लोगों से कोई पूछ ले तो यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज का मतलब ये है कि चीजें लोगों को प्रॉपर वे में प्रोवाइड करानी है और गवर्नमेंट का इसमें ज्यादातर रोल यहां पर होना चाहिए। तो जीडीपी का 2.5% जो खर्च करने की बात करें उसको जल्दी से जल्दी खर्च करो और ज्यादा फोकस किसके ऊपर करो, प्रिवेंशन के ऊपर, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, यानी कि लोगों को दवाइयां पहले से वैक्सीनेट करके रखो ताकि उनकी बीमारी ना लगे और तभी चीजें ढंग से आप लोग काम कर पाएंगे। तो ये बेसिक मुद्दे हैं जिसके बारे में आप लोग समझ सकते हैं, कई बार कई क्वेश्चन आप लोगों से यहां पर बन जाते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में आप लोग आइडिया रखिएगा, ये बेसिक इन्फॉर्मेशन मैंने आप लोगों को यहाँ पर बता दिए, ठीक है। तो ये है यहाँ पर इसके बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन, तो हेल्थ के बारे में तो याद रखते हैं, आर्टिकल जो मैंने बताए वो भी याद रखेगा, कन्फ्यूजन आप लोगों के माइंड में इसको लेकर नहीं होना चाहिए। अगर कन्फ्यूजन आ तो फिर देखिए उन्हें कन्फ्यूजन हुआ तो दुर्घटना घटी, तो दुर्घटना नहीं घटने देनी है, तो कन्फ्यूजन को कन्फ्यूजन आने से पहले ही आप लोगों को कन्फ्यूजन को कन्फ्यूज कर देना है, क्या करना है, समझ में आ गया, कन्फ्यूज हो गया क्या, चलो कोई नहीं, एंजॉय करो, ठीक है। आगे चलता हूँ, अब कुछ और बातें यहां पर जानने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अब यहां पर बात करेंगे थोड़ी सी हम लोग कुछ फैक्ट और फिगर के बारे में, और यहां पर अभी क्या हुआ, यहां पर एक्स जो जज हैं पंजाब हाई कोर्ट के, उनको यूपी में जो अभी पता ना लखीमपुर खीरी वाला जो केस देखने को मिला था, तो उसके ऊपर काम करने की बात यहां पर की जा रही है। तो जो चीफ जस्टिस ऑफ जो इंडिया है एनवी रमन साहब, उनके द्वारा यहां पर बेसिकली इस चीजों को आगे लेकर चलने की बात की जा रही है, ठीक है। तो इसके चलते देखते हैं क्या सोल्यूशन यहां पर निकाला जाएगा इसको लेकर। तो यहाँ पर जो वो मॉनिटर करेंगे और 3 आईपीएस को मिलाकर यहाँ पर एक कमेटी बनाई गई है जो कि यहाँ पर चेक करेगी कि जो भी लखीमपुर खीरी के अंदर किसान की जो डेथ हुई यहाँ पर एक नेता के बेटे की गाड़ी के नीचे आकर, तो वो कितने हद तक उसके बेसिकली बारे में बातें की जा रही है, उसको सप्रेस करने की कोशिश की जा रही है। क्यों? क्योंकि वो पॉलिटिकल पार्टी बीजेपी का नेता था जिसकी वजह से दिक्कतें देखने को मिल रही है। अगर वो अपोजिशन का होता तो अब तक जेल में पड़ा होता, ठीक है। तो ये नॉर्मली रहता है, ये बीजेपी की बात नहीं है, जहां पर कांग्रेस की गवर्नमेंट है वहां पर बीजेपी वाले कुछ कर दें तो उनके ऊपर तलवार लटक जाती है। तो ये आप लोगों को पॉलिटिक का फंडा ही देखने को मिलेगा यहां पर, ठीक है। वेस्ट बंगाल के अंदर बीजेपी वाले को टांग देंगे, ठीक है, जहां पर बीजेपी की पावर में है वहां पर कोई वैसा होगा कोई मुद्दा, वहां पर दूसरे अपोजिशन का कोई होगा तो उसको टांग देंगे। यानी कि अपनी भैंस पानी में नहीं जानी चाहिए, दूसरे को कितना ही पानी में नहला लो, ठीक है। दिल्ली की जो क्वालिटी है वो खतरनाक है और सुप्रीम कोर्ट ने भी कई सारी बातें बोल दी है, अब तो यहां पर सुना भी दिया है कि सुधारो यार इसको। तो दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा स्टेप उठाए गए कि 100 के करीब सीएनजी वगैरह 1000 के करीब सीएनजी द्वारा बस यहां पर लाई जाएंगी और ज्यादा पोल्यूशन को कम करने के लिए। मेट्रो अपना काम कर ही रही है, मैं तो सोचता हूं दिल्ली के अंदर मेट्रो ना होती तो यहां पर मटरगस्ती हो जाती पूरी, बिल्कुल ड्रामा हो जाता बिल्कुल दिल्ली के अंदर, ठीक है। बात करें यहां पर हैवी व्हीकल जो है उसको बैन किया जा रहा है, यानी कि अगर ट्रक वाले हैं यहां पर कोई तो उनको 21 नवंबर तक दिल्ली के अंदर एंट्री बंद कर दी गई है, चीजों को ध्यान में रखते हुए। कोई बच्चा है उसको बाहर ज्यादा खेलने वेलने नहीं जाने दें, घर पर ही रहें, मास्क वगैरह लगाकर रखें, ये ऐसी कई सारी गाइडलाइन इशू की गई हैं जो आप लोग फॉलो कर सकते हैं। तो जो दिल्ली में नहीं है, दिल्ली से थोड़े दूर हैं, उनको काफी अच्छा फील हो रहा होगा, जिनको लगता था यार दिल्ली में नहीं हम लोग, ठीक है, आप लोग घर पर बैठकर भी अपनी तैयारी कर सकते हो, आज के डेट में सारी चीजें अवेलेबल हैं आप लोगों के पास में, ठीक है। तो अब ये कोई आप लोगों के पास में वो निरा बोलने का, ऑनलाइन दुनिया भर की चीजें मिलती हैं आप लोगों को, ठीक है। तो अच्छे से बैठो और पढ़ाई करो अपने घर पर रहकर, घर वालों के पैसे फिर में बर्बाद नहीं क्या करते। हाँ अगर लगता है कोई ज्यादा दिक्कत है घर में ही, माहौल ऐसा नहीं बन पा रहा है कि हाँ मतलब ये लड़ाई झगड़े ज्यादा रहते हैं, वो एक जो ज्वाइंट फैमिली होती है उसमें दिक्कतें रहती हैं, तो वो एक अलग मुद्दा है, वरना आप लोग काम कर सकते हैं कहीं पर ही बैठकर, ठीक है। करतारपुर कॉरिडोर के बारे में बात करें तो उसको ओपन किया जा रहा है, ये काफी इंपॉर्टेंट है याद रखिएगा। करतारपुर जो यहाँ पर बेसिकली एक जगह पाकिस्तान के अंदर और हमारी कंट्री के अंदर डेरा बाबा नानक, तो दोनों को कनेक्ट किया जा रहा है यहाँ पर गुरदासपुर के अंदर और यहाँ पर, तो ये बेसिकली एक कॉरिडोर एक गलियारा है यहाँ पर जिसको कनेक्ट किया जा रहा है रवि रिवर के ऊपर। तो ये इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशन की भी एक अच्छी मुहिम यहाँ पर मानी जाती है। यूएपीए का केस था यहाँ पर जो बेसिकली अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन है, तो इसमें यहाँ पर रिलीफ दे दिया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, क्योंकि पता है गवर्नमेंट कई बार मनमानी यहाँ पर करती है, ठीक है। करतारपुर कॉरिडोर के बारे में से मैंने आप लोगों को बताया था कि यहाँ पर बेसिकली दरबार साहिब गुरुद्वारा जो कि कहाँ पर है, ये है यहाँ पर नारोवाल डिस्ट्रिक्ट पंजाब के अंदर में, और डेरा बाबा नानक जो सराइन है हमारे देश में गुरदासपुर डिस्ट्रिक्ट पंजाब के अंदर में, तो उनको कनेक्ट यहाँ पर किया जा रहा है। 550वीं बर्थ एनिवर्सरी यहाँ पर सेलिब्रेट की गई थी गुरु नानक देव जी की, तो यहाँ पर सिखिज्म के जो फाउंडर थे, तो 12 नवंबर 2019 से यहाँ पर चीजें स्टार्ट की गई थी। ये माना जाता है कि लगभग लाइफ के 18 साल इनके द्वारा यहाँ पर इसी पर्टिकुलर एरिया में बिताए गए, तो उसकी वजह से यहाँ पर ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है पर्टिकुलर कम्युनिटी के लिए, ठीक है।
एजुकेशन सबसे ज्यादा इंपैक्टेड पड़ी यहाँ पर कोविड-19 के चलते। एक रिपोर्ट है, याद रखिएगा, इसके बारे में पूछा भी गया पास्ट में। एसर बोलते हैं, एसर की रिपोर्ट किसके द्वारा प्रस्तुत की जाती है? एक एनजीओ है प्रथम एनजीओ के द्वारा प्रस्तुत की जाती है। एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट बोलते हैं इसको, इसके बारे में इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन याद रखिएगा, ठीक है। अभी यहाँ पर बात की है कि स्कूल इनरोलमेंट जो है वो काफी ज्यादा डाउन हो गए हैं और खासकर प्राइवेट वाले स्कूल में बच्चों के एडमिशन ज्यादा होने लगे हैं, गवर्नमेंट में और भी ज्यादा कम यहाँ पर हो गए हैं। तो इसके चलते डेटा बताया गया कहाँ कहाँ पर क्या क्या इंपैक्ट पड़ा है यहाँ पर। तो परसेंटेज ऑफ स्कूल जो हु डिड नॉट, जो एक तरीके से परसेंटेज ऑफ स्कूल हु डिड ऑनलाइन लर्निंग एक्टिविटी इन रूरल एरिया, ठीक है। तो यानी कि ऐसे एरिया जहां पर ऑनलाइन लर्निंग की गई है, तो जहां पर रेड एरिया है ओनली वहां पर 20%, राजस्थान हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार, झारखंड, ये यहां पर वेस्ट बंगाल, 20% बच्चे ओनली ऑनलाइन गए हैं, बाकी का 80% जो है उन्होंने ऑनलाइन एजुकेशन ली नहीं। तो सोचिए उनकी पिछले 2 सालों में क्या पढ़ाई होगी, कहानी खत्म, ठीक है, यानी खत्म, टाटा बाय बाय। तो ये कंडीशन आप लोगों को देखने को मिलेगी। सबसे ज्यादा जो यहां पर केरला के अंदर पता है एजुकेशन सिस्टम काफी अच्छा है और यहां पर ये वाला जो एरिया है यहां पर, तो यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा। अच्छा चलिए क्वेश्चन पूछता हूं, इंटरेस्टिंग है, ये राज्य कौन सा है बता सकते हैं आप लोग? ये ग्रीन राज्य यहां पर कौन सा है? ऐसे ऐसे तो मैप डाला करूंगा आप लोगों के सामने, पूछा करूंगा बताइए राज्य कौन सा है, ये राज्य बताइए कौन सा है। और ये तो जो छोटे 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 से येलो राज्य है ना, ये वाले, ये बताने आप लोगों, ठीक है, ये तो पता ही होंगे, बड़े वाले येलो पंजाब और सॉरी पंजाब बोलो गुजरात और महाराष्ट्र, ठीक है, ये आप लोगों को बताना है, ये दो येलो और ये ग्रीन कौन सा है, देखता हूं कौन कौन बता रहा है। तो प्रथम एनजीओ एसर रिपोर्ट यहां पर प्रस्तुत करती है, उसके बारे में याद रख सकते हैं। कुलभूषण जाधव हमारी कंट्री के एक बहादुर ऑफिसर जिनको पाकिस्तान के द्वारा कायरता से पकड़ा गया और यहां पर उनको एक फांसी की, उनको वहां पर फांसी की सजा सुना दी गई। तो बोला ये गया यहां पर इनके द्वारा इंटरनेशनल जो लॉ है उसका उल्लंघन किया गया, तो उसके चलते काफी ज्यादा यहां पर ये न्यूज में आया था, तो उसी के बारे में यहां पर बातें की जा रही है। तो समझ लेते हैं क्या क्या यहां पर बातें। देखिए एक और इंपॉर्टेंट बात, मुझे जब ये मिलता है ना, टाइम मिलता है मुझे, मान लीजिए आप लोगों का लेक्चर टर्मिनेट हो गया, तो फिर मैं भी थोड़ा मस्ती में आ जाता हूँ, ठीक है, मुझे लगता है कि चलो चीजों को और खोल खोल के पढ़ा देते हैं, ठीक है, तो फिर वो वाला मुद्दा मेरा जागृत हो जाता है। मैंने कहा दूसरी वीडियो बनी रहे तो फिर क्यों ना उसको और अच्छे से, और डिटेल में, और अच्छे से एक्सप्लेन, वैसे तो सब जगह एक्सप्लेन होती है पर लेकिन और आप लोगों का रिविजन भी करा दूं थोड़ा सा, ठीक है। तो यहां पर हम लोग बात करेंगे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के बारे में, तो इसके बारे में याद रखिएगा, इसके अंदर केस पहुंच गया इंडिया लेकर, इसके अंदर इंडिया केस को पहुंचा क्योंकि पाकिस्तान ने हमारी काउंसलर एक्सेस नहीं दी कुलभूषण जाधव को, हमारे देश के जो डिप्लोमेट्स थे उनको मिलने नहीं दिया, अपनी मनमानी चलाई और अनमान्य ढंग से मिलिट्री कोर्ट में रूल चलाकर इनको फांसी की सजा सुना दी। हालांकि बहुत ही जद्दोजहद करने पर इनकी वाइफ जो, इनकी जो बीवी है और इनकी माता जी जो है वो इनसे मिलने गई, पर उनके साथ भी बड़े ही अभद्र व्यवहार इनके द्वारा वहां पर किया गया पाकिस्तान की जो फोर्सेज है, यानी कि उनको मिलते टाइम यहां पर जूते चप्पलें निकाले और पता नहीं क्या क्या, मतलब घटिया हरकतें बिल्कुल। अगर बात करें तो इसमें केस पहुंच गया इंडिया लेकर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के अंदर में, जो कि यूएन का एक ऑर्गन है, ये 1945 में एस्टेब्लिश किया गया था और स्टार्ट होता है यहाँ पर 1946 में, ठीक है। ये इसका हेडक्वार्टर मैंने अभी बताया हेग नीदरलैंड के अंदर आप लोगों को देखने को मिलेगा, और एक तरीके से बात करें यूनाइटेड नेशन, ठीक है, ये ओनली एक ऐसा यहाँ पर लोकेटेड है जो कि आप लोगों को यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में नहीं है। नंबर इसके ऑल मेंबर हैं जो भी यहाँ पर इसके मेंबर है यूएन के, जज जो रहते हैं यहाँ पर बेसिकली वो एक तरीके से जो जज है यहाँ पर वो 15 जज आप लोगों को देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो इलेक्ट किए जाते हैं यहाँ पर 9 साल के लिए, ठीक है। हमारी कंट्री की भी कोई पर्सनैलिटी है क्या देखेगा और उनका नाम बताना कमेंट बॉक्स में, ठीक है, अगर है तो, ठीक है, पता होगा आप लोगों। ऑफिशियल जो लैंग्वेज है यहाँ पर इंग्लिश और फ्रेंच यहाँ पर यूज की जाती है। जो फंक्शन है यहाँ पर, ये रोल रहता है कि इंटरनेशनल लॉ के हिसाब से अगर कोई कंट्री लड़ रही है तो उनको बोलते हैं कि लड़ाई लड़ाई बंद करो और फिर क्या करना है, बस वही जो आप लोग समझ गए, तो वही करना है, यानी कि लड़ाई नहीं करनी है, ये रहती है। और यूएन के हिसाब से ये बेसिकली काम किया जाता है उसके मैंडेट के हिसाब से। कोर्ट जो है यहाँ पर ये ओनली मैटर को, डिस्प्यूट को तब सुनता है जब यहाँ पर कोई एक या फिर दोनों जाकर कोर्ट में जाते हैं, ऐसा नहीं है कि कोर्ट अपने आप स्यू मूटो एक्शन ले लेगा, यहाँ पर ऐसा नहीं है, ठीक है। तो ये अपने आप कोई इनिशिएटिव नहीं लेता है, अगर मैटर यहाँ पर इंडिया लेकर पहुंच गया तो कोर्ट सुनेगा। तो यहाँ पर किसी भी मैटर को सोवरेनिटी, बाउंड्री डिस्प्यूट, मैरिटाइम डिस्प्यूट, ट्रेड जो नेचुरल रिलेटेड रिसोर्सेज, ह्यूमन राइट, ट्रेड वायलेशन, ट्रीटी इंटर, जो जो भी यहाँ पर इंटर जो है इंटरनेशनल लेवल पर जो ट्रीटी है, ठीक है, तो इंटरप्रिटेशन के बारे में बात करें, कोई और इस तरीके की बातें, तो उन मुद्दे को यहाँ पर ये देखता है बेसिकली। इसी के साथ में यहाँ पर इसका डिसीजन जो होता है बाइंडिंग होता है, इसका जो आर्टिकल 94 है यूएन के जो चार्टर के हिसाब से बात करें तो बाइंडिंग होता है, और जिसने फाइनल डिसीजन दे दिया तो फाइनल ही रहेगा, कहीं आप लोग अपील नहीं कर पाएंगे, यानी कि नो एक नहीं, उन्हें कहते कि एक तरीके से खत्म बिल्कुल, कि यहां पर आप लोगों का फुल स्टॉप लग जाएगा, इसके अलावा आप लोग कहीं नहीं जा पाओगे। तो ये मुद्दे आप लोगों को देखने को मिलेंगे, तो इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में आप लोग याद रख सकते हैं। हाई कोर्ट जो है वो काफी ज्यादा चिंता में है, तो नंबर ऑफ इलीगल स्ट्रीट वेंडर, यानी कि गलियों में जो सड़कों पर कई सारे लोग सामान बेचने के लिए बैठे रहते हैं, तो इसको लेकर काफी ज्यादा चिंतित है। कई बार ऐसा देखने को मिलेगा सड़कों पर कई बार एक्सीडेंट भी हो जाते हैं, उनकी डेथ भी हो जाती है, तो इनका हक है, ये अपना व्यापार कर सकते हैं, पर लेकिन लोगों को भी हक मिलना चाहिए उनको वहां पर चलने का, और इनकी भी डेथ हो सकती है, उसके ऊपर भी ध्यान देना चाहिए। तो ये इतने लार्ज स्केल पर बढ़ रहे हैं, लाजपत नगर या फिर ऐसे जो बड़े बड़े एरिया हो गए वहां पर, कि इनको देखना चाहिए। हर अगर आप लोग स्टेट के अंदर किसी भी
कैपिटल में या फिर अच्छी सिटी में जाओगे जो कि स्टेट के अंदर जो एक सही लेवल पर होता है, या फिर डिस्ट्रिक्ट में जाओगे एक सही जगह पर एक पॉपुलेशन जहां ज्यादा होती है, तो आप लोग ऐसे मुद्दे देखने को मिल जाएंगे। तो ये गलत है, इसके ऊपर एक काम करना चाहिए। आप लोगों के अंदर एथिक्स की केस स्टडी भी यहां से बनाई जा सकती है कि एक पर्टिकुलर एरिया में आप लोग डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है और वहां पर ऐसा एरिया बढ़ता जा रहा है जहां पर सड़कों पर जो स्ट्रीट वेंडर है काफी लार्ज स्केल पर बढ़ते जा रहे हैं, तो आने जाने वालों को काफी ज्यादा दिक्कत देखने को मिल रही है। तो उस एरिया के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होने के नाते आप लोगों की रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप वहां पर दोनों के लिए कुछ ना कुछ करें, तो किस तरीके से आप लोग इस मुद्दे को सुलझाएंगे। तो देखता हूं आप लोग इसको कैसे सोचते हैं, सोचिए इसके बारे में और नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, आप लोगों की सोचने की क्षमता देखूंगा मैं, ठीक है, लिखिए इसके बारे में। एक किताब है यहां पर जिसका नाम है यहां पर सनराइज ओवर सनराइज ओवर अयोध्या। तो अयोध्या से रिलेटेड यहां पर एक किताब लिखी गई ये सलमान खुर्शीद के द्वारा। सारी किताबें नहीं पढ़नी है पर कुछ किताबें ऐसी हैं जो न्यूज में आती है और कॉन्ट्रोवर्सी बन जाती है, तो जैसे यहां पर ये कॉन्ट्रोवर्सी बन गई अयोध्या मुद्दे को लेकर, तो सलमान खुर्शीद की बुक है, इसके बारे में आप लोग आइडिया रख सकते हैं क्वेश्चन बन जाए तो, ठीक है। नेक्स्ट यहां पर मुगल एरा के टाइम पर एक है यहां पर सब्ज बुर्ज। तो सब्ज बुर्ज जो है यहां पर इसको रिस्टोर किया जा रहा है SABZ। तो ये 3 साल यहां पर बेसिकली इसको क्लीनिंग करने में और साइंटिफिक तरीके से इसको फिर से यहां पर ये स्टार्ट किया गया दिल्ली के अंदर, आप लोगों को देखने को मिलेगा। काम कौन कर रहे हैं यहां पर, ये इंपॉर्टेंट है, यहां पर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया काम कर रहे हैं यहां पर इसको रिस्टोर करने में, तो जिसकी वजह से यहां पर ये न्यूज में। तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के बारे में अगर कोई क्वेश्चन पूछ ले तो आप लोग कंफ्यूज नहीं हो रहे, ठीक है। तो क्या क्या बात की जा रही है देख लेते हैं यहां पर। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है ये 1861 में बनाया गया था, यानी कि 1868, और अलेक्जेंडर कनिंगम जो है वो काफी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी जिसके बारे में याद रखिएगा। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंदर आप लोगों को चीजें देखने को मिलती है, तो ये कई सारी बेसिक चीजें होगी, ठीक है। मुगल जो अगर बात करें यहां पर जो सब्ज बुर्ज है यहां पर ये टोम जो बनाए गए यहां पर ये बेसिकली फाहिम खान जिनकी डेथ हुई थी 1626 में, उनके लिए बनाया गया था, ठीक है। तो ये जो अगर आप लोगों को थोड़ा सा दिखाता हूं ना यहां पर, तो इनके लिए इसको बनाया गया था, और यहां पर ये अटेंडेंट थे किसके, ये अब्दुल रहीम खान, ठीक है। तो अब्दुल रहीम खान जो कि 4th मुगल एम्परर जहांगीर के टाइम के आप लोगों को चीजें देखने को मिलेगी। तो यहां पर ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इसलिए बनाना स्टार्ट किया क्योंकि आगा खान ट्रस्ट फॉर कल्चर ने यहां पर बोला कि यार ऐसा कुछ करो, और फिर इसको काम करना स्टार्ट किया, ठीक है। तो रिस्टोरेशन किया जा रहा है, ये कुछ चीजें हैं, ओके। आगे चलते हैं, यहां पर इंडिया और रसिया 2+2 मीटिंग करने वाली है 6 दिसंबर को। अभी इंडिया और यूएसए के बीच में होने वाली थी, तो माना जा रहा है वो लगभग जनवरी में होगी, ठीक है, हो सकता है जनवरी में उसको हो, ठीक है। तो यहां पर अभी यहां पर ये इंडिया और इसके बीच में भी देखने को मिली क्योंकि इंडिया अभी S-400 सिस्टम खरीद रहा है, तो उसके चलते यूएसए के अंदर खलबली मची हुई है, उन्होंने अभी काटसा इंप्लीमेंट कर दिया करने की बात की जा रही है इंडिया के ऊपर, तो बहुत सारे ऐसे मुद्दे चल रहे हैं। तो 2+2 में कौन कौन पार्टिसिपेट करते हैं, तो याद रखना डिफेंस मिनिस्टर और एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर इंडिया के और रसिया के दोनों पार्टिसिपेट करेंगे। तो 4 मेंबर की मीटिंग होती है, काफी हाई लेवल की मीटिंग मानी जाती है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में आप लोग हल्का सा आइडिया रख सकते हैं, ओके। आगे चलते हैं यहां पर, तो मालदीव ने रिजेक्ट कर दिया इंडिया आउट कैंपेन, इंडिया के खिलाफ नेगेटिव बेसिकली भावनाएं फैलाने की कोशिश की जा रही थी मालदीव के अंदर अपोजिशन के द्वारा, तो उसको अभी यहां पर खत्म कर दिया है, तो ये अच्छी बात है। यूएसए और चाइना अपने रिलेशन को थोड़ा सुधारने की कोशिश कर रहे हैं वीजा को लेकर भी, ये भी एक मुद्दा है। तालिबान यूएसए से बोल रहा है कि भाई साहब पैसा तो दे दो, चले तो गए पर लेकिन तुम तो सारी पोटलियां बांध के ले गए पैसों की भी, हमारे लिए कुछ तो दो, हम तो भूखे मर जाएंगे, तो उसी के बारे में बात की जा रही है। तो अफगानिस्तान का लगभग यहां पर 9.5 बिलियन एसेट जो है वो सीज कर दी गई है जो अफगानिस्तान में नहीं जा पा रहा है, तो इसके चलते भिखमनी की मुद्दा आ गया। और इंडिया ने बोला था अभी यहां पर जब इंडिया के अंदर नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर वाली मीटिंग हुई थी ना, तो उसमें इंडिया ने बोला था यार पैसा दे दो इनको, तो वो वाले कई सारे मुद्दे थे, ठीक है। तो ये था टोटल आज का डिस्कशन, मैं आशा करता हूं आप लोगों ने इसको एंजॉय किया होगा। तो दोनों लेक्चर आप लोग देखना तभी आप लोग चीजों को अच्छे से एंजॉय कर पाएंगे, और डिटेल में हो गया काफी, इसीलिए आप लोगों के लिए और फायदा देखने को मिलेगा। पीडीएफ कंबाइंड मिल जाएगी, वो यहां पर मिलेगी टेलीग्राम पर, और लगता है आप लोगों की आप लोग यहां पर है ट्विटर इंस्टाग्राम फेसबुक पर, तो यहां पर मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हैं, यहां पर भी मेरा अकाउंट है, अगर आप लोग हैं तो ही यहां पर आइएगा, वरना अलग से अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है, पढ़ते रहिए वरना। बाकी अपना ध्यान रखिए, पढ़ाई को अच्छे से लेकर चलिए, अपनी सेहत का ध्यान रखिए। नेक्स्ट लेक्चर मिलता हूं, तब तक अपना ध्यान रखिए, नेक्स्ट लेक्चर होगा नैनो मैगजीन का। अगर ये लेक्चर आप लोगों ने यहां पर देख लिया है तो नेक्स्ट लेक्चर जरूर देखिएगा, शाम को 9 बजे आता है एग्जैक्ट, ठीक है। तो बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करना, मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।